हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुजरात यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है बीकॉम, एलएलबी, एमकॉम वगैरह, बीबीए, बीएसए, बीसीए, ये सब एडमिशन के लिए है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपसे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट, गुजरात यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको दिख रही होगी गुजरात यूनिवर्सिटी SC.in, यहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद ऊपर आपको मेनू का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऊपर मेनू के ऑप्शन में वहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट। जैसे ही आप गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलोगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट करके मेनू का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से नीचे जाएंगे आप तो एडमिशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाकर आप बीकॉम या बीबीए, बीसीए, जिसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसमें जाकर उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने आ जाएगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। सबसे फर्स्ट आपको फ़ोटो उसकी 10 KB से 50 KB, सिग्नेचर जो है 5 KB से 30 KB, मार्कशीट जो लास्ट आपकी मार्कशीट है 12th की 100 KB से 400 KB। KB में है दोस्तों, देखिए यहाँ ध्यान रखना है आपको, KB में, नॉट MB। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC या SC ST में आते हैं तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होता है 100 KB से 400 KB तक। इसके बाद एनी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन अदर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर बोर्ड ऑफ, ये डिटेल आपको भरनी है, कौन से बोर्ड से आपने लास्ट जो था आपके 12th वो कौन से बोर्ड से आपने पास की है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बोर्ड। इसके बाद पासिंग स्टेट, कौन से स्टेट में आपने पास किया, सीट नंबर जो आपका हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और पासिंग मंथ जो वो आपको सिलेक्ट करना है और स्ट्रीम में छोड़ देना है। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर क्लिक करोगे, सबमिट बटन पर, ये आपको सबमिट बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, आपका पिन नंबर जो आपने कॉलेज में से जो पिन ली थी वो नंबर उसको ओपन करना है और वो नंबर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैपिटल और स्मॉल पिन नंबर ध्यान से रखना है दोस्तों, पिन नंबर ध्यान से नागना है, बहुत ही ध्यान से नागना है। इसके बाद फुल नेम है इसमें, मार्कशीट में जैसा नाम है उसका वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इसका आपका एड्रेस जो है वो 3 लिटी में लिखना है और कौन सी सिटी से आप हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एरिया, सिटी में रहते हो या अर्बन में रहते हो, ग्रामीण में रहते हो, पिन कोड, स्टेट और आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। और फिर से एक और बार आपका कंफर्म मोबाइल नंबर करना है यहाँ पर। इसके बाद आपका फादर या मदर का कोई भी घर का नंबर हो वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी हो तो डालना है, वगैरह नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रीम कॉमर्स से हो तो कॉमर्स लिखना है, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स, जिसे हो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है आपको तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके बाद अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जनरल अकाउंट रखना है और एंड यहाँ पर जो नंबर दिखा है वो नंबर आपको यहाँ पर डाल के ना इस पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपको ध्यान से लिख कर
कॉपी कर लेना है ये नंबर को, किसी भी नोट में लिख लेना है ये नंबर को। इसके बाद ये पूरा ऐसा हो तो आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट पाल लेना एक बार। फिर इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिख रहा है लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन हो जाओगे, आपका नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको ये आपका नाम तो आपने डाल दिया था, वो नाम फादर नेम मदर नेम नाखना है आपको। फादर नेम और मदर नेम नाखने के बाद आपको अगर यहाँ पर कोई स्पेशल अचीवमेंट स्पोर्ट या किसी और में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको यहाँ से यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में आप जनरल में आते हैं, ST, ST, OBC। इसके बाद आपका रिलीजन, कौन से रिलीजन है आपका। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी में आते हो तो उसे लिखना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। इसके बाद आपकी मार्कशीट, SSC की जो मार्कशीट है, SSC में आपके कितने मार्क्स आए थे, SSC बोर्ड की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने मार्क्स आए वो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। इसके बाद HSC 12th की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, कौन से बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद कौन सा स्टेट है, सीट का नंबर कौन सा था, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, कितने ट्रायल में आप पास हुए। इसके बाद पासिंग मंथ, स्ट्रीम कौन से है, कॉमर्स आर्ट्स या कहाँ से वो बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कौन सी सिटी है आपकी, कौन से स्कूल में आपने पास किया, और स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा, तो वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है कि 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर पूरे में भर देनी है। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिया गया है कि 10 KB फ़ोटो की साइज़ 10 KB से 50 KB और सिग्नेचर 5 KB से 30 KB तक होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे, आपको यहाँ पर चूज़ ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका फ़ोटो स्कैन कर अपलोड कर देना है यहाँ पर। इसके बाद ये अपलोड पर, ये अपलोड बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसे अपलोड कर देना है। सिग्नेचर भी चूज़ फाइल करनी है और इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मार्कशीट भी आपको यहाँ पर क्लिक करनी है और इस पर अपलोड करके इसे सेव कर देना है। अगर व्यू करना चाहते हैं आप तो इसे व्यू का आप कर सकते हैं। फिर आपको ये डिटेल आ जाएगी, ये आपको यहाँ पर कहीं भी सब जगह ऑल रखना है, यहाँ पर ऑल सब जगह ऑल रखना है। या नीचे आपको कॉलेज सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी कॉलेज में आप रहना चाहते हैं, वो कॉलेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आप कम से कम 20 या 25 कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी होती है, जो कॉलेज आपको नज़दीक में हो और आपको अच्छी लगती हो वो कॉलेज आपको फर्स्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे आप 25 कॉलेज सिलेक्ट कर जाओगे तो आपको फिर सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ये सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। ये आपको लास्ट में जब आप सबमिट करने जाओगे तो आपको ये पूछेगा कि क्या आप सच में ये इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हो, तो आपको ये नंबर लिख लेना है और इस सबमिट बटन पर आपको क्लिक करके ना इसे यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपको सेव कर देना है। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, HSC की मार्कशीट चाहिए होती है, स्टूडेंट SC ST जो भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप कोई आपको कुछ अपंग या अदरवाइज कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उसकी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना है। फिर दोस्तों अगर ये सबमिट हो चुका है, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी की बोर्ड, गुजरात यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ये बहुत ही सिंपल सी एंड ईजी प्रोसेस थी, बहुत ही सिंपल एंड ईजी प्रोसेस थी गुजरात यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की। इसके बाद अगर आपको मेरिट, गुजरात यूनिवर्सिटी का जब आपका मेरिट लिस्ट जाहिर होता है तब आपको अगर देखना है
फिर मेरा कौन से ये कौन सी कॉलेज में नंबर आया है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके एडमिशन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल लॉगिन है तो यहाँ पर लॉगआउट है, आपको लॉगिन का ऑप्शन होगा। आपने अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको लॉगिन का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ नाखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपकी ये फिर डिटेल थी और ये देख लीजिए, ये आपका अगर आपका कोई कॉलेज में नंबर आया होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए ये विवेकानंद कॉलेज में अभी यहाँ पर बता रहा है और सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट इन ऑडिटिंग, ये सब्जेक्ट आपको और सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं इसकी तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलेज पसंद कर सकते हैं, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, और प्रिंट एप्लीकेशन की जो प्रिंट है उसको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी प्रोसेस है गुजरात यूनिवर्सिटी की। ये देखिए आपका फॉर्म ऐसी तरह आप जब प्रिंट दोगे तो आपके सामने ऐसा प्रिंट ओपन होके आ जाएगा, ये जो कॉलेज थी आपने वो यहाँ आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी प्रोसेस थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कहीं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हाँ दोस्तों ऐसे ही मैं गुजरात यूनिवर्सिटी की जो बीकॉम के रिलेटेड वीडियो होती है वो मैं बनाता रहता हूँ, तो आप वो देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।